जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची पोखरण, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामदेवरा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पोखरण पहुंची है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया। रामदेवरा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए राजे पहुंची है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रामदेवरा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम राजे पहुंचे। श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी राजे पोखरण पहुंची है परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए? सीएम है वो अभी पोखरण पहुंची है, पोखरण हेलीपैड पर उनकी अगवानी करने के लिए जो भाजपा के जिलाध्यक्ष सीपी शारदा है वो पहुंचे हैं, जिला प्रमुख प्रताप सिंह खाचरिया जो प्रताप सिंह है वो पहुंचे, नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे, और जो पोखरण के ठाकुर नगेंद्र सिंह है वो भी राज परिवार की ओर से पहुंचे, और भी कई जो तमाम भाजपा के नेता है वो हेलीपैड पर उन्हें लेने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो है हवाई मार्ग से जो है पहुंची थी हेलीपैड पर, महाविद्यालय में जो हेलीपैड बना है वहां पर उनके स्वागत के बाद जो है वो आज रामदेवरा निकलने वाली है, रामदेवरा में दर्शन करेगी, और जो इनका आने का मुख्य उद्देश्य है वो भाजपा की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसके लिए पहुंची। साथ ही जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो आम सभा करने वाले हैं उनमें भी ये मौजूद रहने वाली है। कहीं ना कहीं भाजपा के कई दिग्गज नेता जो है वो इस सभा में आने वाले हैं। उसी बीच जो है दो सीएम के प्रबल दावेदार जो भाजपा की ओर से माने जा रहे हैं, एक और वसुंधरा राजे सिंधिया है तो दूसरी और जो है केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो भी पहुंच सकते हैं, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। सुबह से ही जो है वो तैयारियां थी लेकिन इनका कार्यक्रम लेट हुआ है, पहले 4 बजे आने वाली थी लेकिन फिर वसुंधरा राजे लगभग 7:45 बजे पोखरण हेलीपैड पहुंची। जी बिल्कुल श्रीकांत, देखिए पोखरण राजे पहुंच चुके लेकिन क्या कुछ अलग तस्वीर अब दिखने वाली है, क्योंकि देखिए परिवर्तन यात्रा कल से शुरू हुई तो उसके एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने भी एक यात्रा निकाली खुद की। जी हर्षदा, मैं आपको बताऊं कि वसुंधरा राजे जब पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने महंत प्रतापपुरी महाराज से आशीर्वाद लिया है। एक और जहां इतने वक्त से माना जा रहा था कि उनकी पहली पसंद जो है कोई और है, कोई और नेता उनकी ओर से हो सकता है, लेकिन प्रबल दावेदार जो पोखरण विधानसभा के माने जा रहे हैं जो महंत है उनका आशीर्वाद लिया है, और जो है पिछली बार वो इलेक्शन में जब थे तो माना जा रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया की जो है वो साथ निभाएंगे नहीं निभाएंगे, कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, लेकिन एक दिन पहले जब सीएम पहुंची है तो जितने पूर्व विधायक है लगभग सभी वहां पहुंचे, और उनमें से जो पिछली बार चुनाव हार चुके थे चंद मतों से मंत्री शाले मोहम्मद के सामने वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उनसे जो है वसुंधरा राजे ने आशीर्वाद लिया, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि कई बड़ी सभाओं में उनका अनादर हुआ, ऐसी सोशल मीडिया पर बातें चलती रहती है, इसी बीच जब महंत प्रतापपुरी को इतना आदर दिया गया तो एक अलग जो है वो अब देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण थे वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और एक दिन पहले पहुंचे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, रामदेवरा दर्शन करेगी और कल की यात्रा की जानकारी लेगी। तो केवल ये यात्रा ही नहीं उसके साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर उनकी रणनीति भी है कि जैसलमेर और पोखरण को किस तरह जो है अपने फेवर में लिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोखरण में पूर्व सीएम राजे का जोरदार स्वागत किया, साथ ही साथ जो कल यात्रा होने वाली है उसको लेकर भी अहम जानकारी।